हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। आप लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और घर पर रह के पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि NTPC 7 फेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो उसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी एग्ज़ाम का बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखें, तैयारी में जो ढिलाई कर दिए हैं उसको थोड़ा सा मजबूती कमर कस लें, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा टाइम है, यही मौका है, लॉकडाउन है, घर में रह के अच्छा सा पढ़ाई करके अपना तैयारी मजबूत कर लीजिए और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। कोई हालत में ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिसने भी ग्रुप डी भरा है, इस बार अच्छे से तैयारी करके उसको निकाल लीजिए, नहीं कि अभी बहुत समय के बाद फिर वैकेंसी आएगा और पता नहीं क्या क्या काल देखने को मिलेगा और कब एग्ज़ाम होगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही मौका है, तो जम के लगिए और एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई करके बहुत जल्दी रिजल्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क चल रहा है RS अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो हम लोग का 5 वीडियो हो गया है और आज 6th वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट में तक बने रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था, आज हम लोग 41 नंबर देखेंगे। 41 में बोला ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। ए अकेले इसे T+3 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेले इसको T+12 दिन में कर सकता है। तो टी का मान ज्ञात करने बोला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, 1 से 2 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। पहले इसका बेसिक थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। 1/T, ठीक है, बराबर 1/ क्या होगा, T+3, और ये 1/T+12। ठीक है, यहाँ देखिए A+B हो गया और इधर भी A+B दोनों बराबर हो गए। एक बाय टी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम आप लोग ले लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा T+3 और T+2। ठीक है, यही आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व करेगा, टी कट जाएगा तो T+12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ T+12 हो जाएगा तो T+3 हो जाएगा, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण में जाके। ठीक है, तो ये आप लोग 9-10 क्लास में आप लोग जानते ही हैं, आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर क्रॉस गुना करके बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। हम आपको इसको शॉर्टकट में सिखा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, T+3 है और T+2 है, जितना ज़्यादा कम बोले उसको क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। 12 × 3 कितना हो गया, 36, और रूट में लगा देते हैं, 36 का कितना निकल जाएगा, 6। तो ये 6 दिन में ही इस पूरा काम को कर सकेगा, टीका मान 6 हो जाएगा। इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा आप लोग इसमें ही आप लोग बनाइएगा, एग्जाम में समय बहुत बचत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन किए गए कार्य का क्या है, आधा है। ये 2 है, ये 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है बी के एक दिन किए गए कार्य सी के द्वारा किए गए कार्य का क्या है, आधा है। ठीक है, तो बी ने जितना किया सी का आधा हो गया। ये चलिए आगे बोल देखते हैं क्या बोल रहा है। सी ने इसे अकेले 7 दिन में पूरा किया। सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा कर रहा है, 7 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, सी 7 दिन में पूरा कर रहा है। आगे बोल रहा है तो ए बी सी तीनों मिलकर इसको, तो ए बी सी देखिए 4 और 2 6 और 1 7,
कितना दिन में करेगा, ये साथ साथ करिए तो कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर 4 दिन में करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 क्या बोल रहा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए छोड़ दिया, कितना दिन पूर्व छोड़ दिया, 5 दिन पूर्व, ठीक है, और ए के छोड़ के चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी कि 3 दिन पूर्व हो जाएगा, किसने, बी भी कार छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी कार छोड़कर चला गया तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 7 10 6 60 12 5 60 और 15 6 60। सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया था कि जब भी कोई कार्य छोड़ के जाना चाहे अंतिम में तो उसको जाने नहीं देना है, क्या करना है, पूरा काम उसके द्वारा करा लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए 5 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, ए का क्षमता कितना है 6, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 30 काम इसमें ऐड कर। बी बोल रहा है 3 दिन पहले जाता तो बी का क्षमता कितना 5, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, सबको जोड़ दीजिए 60 30 90 और 105 हो जाएगा। अब तो कोई गया नहीं है, तीनों है ही है, ठीक है, तो तीनों का क्षमता 6 5 11 4 15 से काट देंगे, 15 90 15 6 90 15 70 105, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 दिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर देखते हैं, 44 क्या बोल रहा है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन, ए 9 दिन में बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 18 हो जाएगा ये 2 और ये 1 हो जाएगा। उन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ कर दिया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये कार्य, ए प्लस बी दोनों ने कार्य शुरू किया लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व क्या करता है, ए ने कार्य छोड़ देता है। तो पता है कि जो कार्य छोड़ के जाए उसको जाने नहीं देना है। ए छोड़ के जा रहा तो ए का क्षमता कितना है 2, 3 दिन पहले छोड़ जाए 6 × 2 तो इसका 2 है तो 3 × 2 कितना काम छोड़ता है 6, 6 काम इसमें ऐड कर दिए 18 6 24। अब हो रहा है कि दोनों मिल के इस काम को कितने समय करेगा, तो 2 और 1 3 3 से डिवाइड देंगे, 8 दिन में इसको पूरा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 में क्या बोला है देखते हैं। ए बी सी, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ए बी सी, ए कितना दिन में है 20 दिन में, 30 दिन में और सी 60 दिन में। ठीक है, पिछले वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु तीसरे दिन बी और सी भी लग जाता है, तो ए 2 दिन किया और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिल जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा ये 3 ये 2 और ये 1। ठीक है, तो ए 2 दिन कर रहा था, ए का क्षमता 3 है तो 3 × 2 = 6 काम होगा, और 1 दिन तीनों मिलकर 3 और 2 = 5 और 1 = 6 काम कर रहा है, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 2 दिन और 1 दिन 3 दिन, 3 दिन में कितना हो गया 12 काम हो गया। तो बताए थे इसका मल्टीपल करेंगे इतना गुना है 5 गुना, तो इसका भी मल्टीपल कर देंगे 5 गुना, कितना हो जाएगा 15 दिन में ये क्या काम करेगा, पूरा काम कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46।
46 बोला है ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में, ए 10 दिन में बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ए ने अगले 4 दिन काम किया, ठीक है। क्वेश्चन को लिखना सीखिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले एलसीएम ले लेंगे, 30 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, और उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए और बी ने काम किया, ए ने कितना काम किया है 4 दिन, ए का क्षमता कितना है 4 दिन किया, 3 क्षमता है तो 12 काम किए। बी का क्षमता कितना है 2, और वो उसने कितना काम किया 5 दिन, तो कितना किया 10 दिन, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, टोटल काम कितना था 30, 30 में 22 काम कर लिया, बचा कितना 8, और 8 काम सी कर रहा है 8 दिन, तो सी का क्षमता कितना हो गया 1, ठीक है। 8 काम 8 दिन में कर रहा है तो सी का क्षमता 1। तो देखिए ए बी और सी, ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा तीनों मिलके कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6, टोटल काम कितना है 30, इसको कितना दिन में करेगा 5 दिन, तीनों मिलके इस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, 6 पुरुष और 4 महिला, 6 पुरुष प्लस 4 वोमेन इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोल रहा 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 14 पुरुष काम को 12 दिन में, तो 4 महिला इस काम को कितने समय में करेंगे, यही पूछा। ये 12 ये 12 कट जाएगा, 6 पुरुष उधर जाएगा, ये 4 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा 8, ये उधर जाके घट जाएगा, इससे इसको काट लेंगे तो 1 वोमेन बराबर 2 मेन हो जाएगा, 1 वोमेन बराबर 2 मेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वोमेन निकालना है तो यहां कितना है 6 मैन है, तो देखिए 1 ओमेन बराबर क्या है 2 मैन, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 3 ओमेन, और 4 ओमेन पहले से है 7 ओमेन हो जाएगा, कितना दिन में 12 दिन में, इधर 4 ओमेन, इससे इसको काट देंगे 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 दिन में इसको पूरा करेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 48, ठीक है, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 3 दिन में, ए किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, 3 मैन कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में, इसी कार्य को 6 ओमेन 18 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला, 2 मैन प्लस 12 ओमेन मिलके कितना दिन में करेगा, इसको हम लोग काट लेंगे, ये 6 काट लिया, ये 3 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यानी 1 मैन बराबर 6 ओमेन हो जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मैन बराबर 6 ओमेन, तो 2 मैन है 12 ओमेन हो जाएगा, प्लस 12 ओमेन था टोटल हो गया 24 ओमेन, ओमेन वाला ले लेंगे 6 × 18, इसको काट लेंगे 6 × 24, इसका 2, ये इसका कितना हो जाएगा 9, इससे डिवाइड करेंगे तो 9/2 आने की 4.5 दिन में, 4 को 9 घंटे हो गए। तो हमने आर एस अग्रवाल का टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज ए का पूरा क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग ने पूरा क्वेश्चन किया कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आपने पूरा ही क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज ए, अगर आप लोग को बी भी पढ़ना है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बोलें कि आप लोग को कहाँ समझ में आया नहीं आया,
फिर इसके बाद हम उसका बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, हम इतना मेहनत किए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, तो आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।